अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं सब? खूबसूरत फूलों के साथ, विंटर गार्डन के साथ आप सबको खुश आमदीद हैं अपने इस चैनल पर और अपने इस गार्डन में। तो आज मैं फूलों को दिखाने के साथ साथ, वो तो मैं अक्सर दिखाती रहती हूँ, लेकिन सोचा क्यों ना आज थोड़ी सी हार्वेस्टिंग हो जाए। हार्वेस्टिंग किस चीज़ की? भाई जाहिर है मैंने कुछ सब्ज़ियाँ उगाई हैं, तो सब्ज़ियों की मैंने कुछ हर्ब्स उगाए हैं और हर्ब्स ग्रो करने के बाद अब वो काबिल हो गए हैं इसके कि मैं उसे पकाऊं और खाऊं। और उसमें मैंने जो ग्रीन हर्ब्स हैं उसमें मैंने उगाए हैं पालक, और उसमें उगाए हैं मैंने सरसों, और टमाटर हैं लेकिन टमाटर का पौधा भी छोटा है, धनिया है, कड़ी पत्ता है। तो आज करेंगे थोड़ी सी हार्वेस्टिंग और आपको दिखाएंगे प्यारी प्यारी सी हरी हरी सी सब्जियां। तो चलें फिर चलते हैं और देखते हैं। जी तो यहाँ है मेरी सब्जियां। जी तो ये है मेरी पालक और यहीं पे मेरी पेटूनिया का ये प्लांट। मुझे ये हटाना होगा ताकि मैं हार्वेस्टिंग कर सकूँ। ये हटा देते हैं हम और इसे रख देते हैं यहाँ। और एक और पेटूनिया है उसको भी हटा देंगे ताकि मैं आपको सब्जियाँ आराम से दिखा सकूं और हार्वेस्टिंग कर सकूं। और एक है यहाँ। अब आपको सही से मेरी सब्जियाँ दिखेंगी। तो ये देखें, ये सारे जो मेरे पॉट्स हैं, मेरे गमले हैं, इन सब में मेरी हरी हरी सब्जियाँ हैं, पत्तों वाली सब्जियां हैं सारी, पालक हैं। ये देखें, ये मेरा है सरसों, यहाँ है पालक, यहाँ है सरसों और उसी के साथ है मेरा करी पत्ता, और यहाँ पर है मेरी पालक। और पालक देखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। और ये टमाटर का पौधा है जो अभी नन्ना मुन्ना सा है, वहाँ पर भी एक टमाटर का ये पौधा है, वो भी नन्ना मुन्ना सा है, उसी के बराबर में सरसों का एक बहुत बड़ा सा पौधा है। तो चलो हार्वेस्ट करते हैं। ये मेरी फ़र्स्ट हार्वेस्ट है तो शुरू करते हैं हार्वेस्टिंग। ये सारी सब्जियां सब्जी वाले से मिल जाती हैं आराम से, लेकिन घर की सब्जियों की बात ही और हैं। इसको उगाना, उगाने के बाद इसको हार्वेस्ट करना, हार्वेस्ट करने के बाद इसको पकाना। ऑर्गेनिकल, प्योर ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं ये मेरी जो आज मैं हार्वेस्ट करूँगी। ये फर्स्ट हार्वेस्ट है मेरी। इंशाल्लाह मैं इसमें दो तीन हार्वेस्ट ले सकती हूँ बाहर तक। मैंने अपने लास्ट विंटर में मैंने अपने देखा था टमाटर मिर्च सब उगाया था, क्योंकि उस वक्त मैंने ज़्यादा फ्लावर्स नहीं उगाए थे, फूलों वाले पौधे नहीं लगाए थे, तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो थी ना टमाटर वगैरह, आलू वगैरह सब निकले थे। लेकिन फिर मैंने इस बार फूलों को ज़्यादा उम्मीद दी। फूल जब खिलना शुरू हो गए थोड़ी सी धूप में भी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने फिर तैयार पौधे लाकर आपको एंजॉय करवाए तमाम मेरे फूलों के पौधे, तो बहुत खुश हूँ। इसलिए इस बार मैंने ज़्यादा सब्जियाँ नहीं लगाई, सिर्फ ये पत्तों वाली सब्ज़ियाँ मैंने लगाई हैं। तो हार्वेस्टिंग के बाद मिलती हूँ आपसे, सारी हार्वेस्ट करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर मैं, मतलब ये सारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, ये सरसों है, सरसों में हार्वेस्ट कर रही हूँ, तो इन पॉट्स की जगह मैं चेंज कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल धूप इनको नहीं मिल रही है, इसलिए इनके जो लीव्स हैं, कुछ पत्ते जो हैं पालक के वो छोटे रह गए हैं, कुछ सरसों के छोटे रह गए हैं। तो दोबारा इनकी अच्छी सी ग्रोथ हो इसलिए मैं इनको धूप में शिफ्ट कर दूँगी। तो इनकी जगह यहाँ से मुझे शिफ्ट करनी होगी। तो शिफ्टिंग के बाद ये देखें, नीचे बहुत सारे सरसों हैं, लेकिन सारी देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी सी हैं, तो ये सारी उभर कर बाहर आएंगी और इतनी बड़ी बड़ी, फिर ये इतने बड़े बड़े पत्ते हो जाएंगे। तो ये चुन्नी मुन्नी सी हार्वेस्टिंग मैंने कर ली है और इसमें से हिस्सा होगा मेरे परिंदों का, तो ये मेरे परिंदे खाएँगे। और पालक भी बड़े शौक से खाते हैं, तो चलें इनको देते हैं पालक, ये खाएंगे बड़े शौक से। ये देखें, ये आ गए हैं खाने के लिए। ये बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है और ये परिंदों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो चलिए हम अपने दूसरे पिंजरे में भी डालते हैं। और यहाँ मेरी आती हैं प्यारी प्यारी सी चिड़ियाँ, तो इनके लिए भी हम थोड़ी सी पालक रख देंगे और शौक से वो लोग भी खाएँगे। उम्मीद है पसंद आई होगी मेरी ये शेयरिंग। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी गार्डनिंग।